सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे इन्फोसिस ने जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट अभी जस्ट कुछ देर पहले अनाउंस किए उसके बारे में, फिर देखेंगे कि आईटी सेक्टर में आज इतनी गिरावट देखने को क्यों मिली, तो दोनों की चीज में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इन्फोसिस का जो क्वार्टर फोर रिजल्ट अनाउंस हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर रिवेन्यू की, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। रिवेन्यू की बात करते हैं तो पिछले साल के क्वार्टर फोर रिजल्ट से अगर कंपेयर करते हैं यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस में, तो वहाँ से आपको रिवेन्यू अच्छा देखने को मिल रहा है, वहाँ आपको तेजी देखने को मिल रही है यानी सेल्स बढ़ी है पिछले साल के क्वार्टर फोर के रिजल्ट से अगर कंपेयर करते हैं तो। वहीं अगर लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो वहां आपको गिरावट देखने को मिल रही है, यानी पिछले क्वार्टर के रिजल्ट से अगर कंपेयर करेंगे तो उस केस में आपको सेल्स में जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों कंपनी के खर्चों की बात कर लें यानी एक्सपेंसेस की, तो आप यहाँ चेक कर पा रहे होंगे दोस्तों पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो आपको यहाँ खर्चे में गिरावट देखने को तेजी देखने को मिल रही है, मतलब खर्चे बढ़े हैं पिछले साल के क्वार्टर फोर के रिजल्ट से। वहीं पिछले लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट से कंपेयर करेंगे यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से, तो आपको यहाँ पर आपको कुछ कमी देखने को मिल रही है खर्चों में। वहीं नेट प्रॉफिट की भी एक बार बात कर लेते हैं, तो नेट प्रॉफिट आप यहाँ देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो आपको नेट प्रॉफिट में तेजी देखने को मिल रही है यानी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में आपको यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है प्रॉफिट में, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और चलिए एक बार देख लेते हैं कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर आप यहाँ एक बार चेक कर सकते हैं, तो यानी आप यहाँ चेक कर पा रहे होंगे कि अर्निंग पर शेयर में भी आपको तेजी देखने को मिल रही है पिछले साल के क्वार्टर फोर के रिजल्ट से यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ठीक है रिजल्ट, पर अगर आप यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो आपको यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये तो बात हो गई कंपनी के रिजल्ट की दोस्तों। अब चलिए देख लेते हैं मार्केट को क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि दोस्तों मेन यही डिपेंड करता है कि मार्केट ने क्या एक्सपेक्ट किया था क्वार्टर फोर रिजल्ट में, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां देख पा रहे होंगे जो कंपनी ने रिवेन्यू का एक्सपेक्टेशन किया था वो लगभग 38,859 करोड़ का किया था, और नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी का एक्सपेक्टेशन था 66,023 करोड़, यानी जो दोनों रिजल्ट आए हैं वो दोनों ही एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं, यानी यहाँ भी आपको गिरावट देखने को मिल रही रिवेन्यू में भी, और यहाँ पे जो एक्चुअल रिजल्ट आया है नेट प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कंपनी से जो एक्सपेक्टेशन थे उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आए हैं, जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू थी उससे आउट परफॉर्म करता हुआ दिखा है। तो कहने का मतलब मार्केट ने इस जो एक्सपेक्टेशन रखी थी इन्फोसिस से उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दिए, तो मार्केट इसका अच्छा, तो ये मार्केट के लिए एक अच्छे संकेत नहीं है दोस्तों। हो सकता है आपको आईटी सेक्टर में एनुअल टाइम में गिरावट देखने को मिलेगी, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं इन्फोसिस में आज क्या कुछ देखने को मिला, तो इन्फोसिस में एक बार हम देख लेते हैं नज़र। तो आज के दिन अगर देखेंगे तो जब से ये स्टॉक खुला था आज के दिन आप देख सकते हैं लगातार गिरावट देखने को मिली आज के दिन, तो जब मार्केट क्लोज हुआ आप यहाँ देख सकते हैं लगभग 3.14% की गिरावट देखने को मिली, जो कि एक बड़ी गिरावट थी, एक छोटी गिरावट नहीं कह सकते एक दिन में इतना, मतलब कि कोई ऐसा स्टॉक तो है नहीं, ये बहुत ही बड़ा स्टॉक है इन्फोसिस, आपको तो पता ही होगा, और उसमें इतनी बड़ी गिरावट ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं कि यानी इसका मतलब ये कह सकते हैं कि कंपनी का पहले से ही पता चल गया था कि आज रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला है, जिस वजह से आप यहाँ देख सकते हैं 3% की गिरावट और गैप डाउन ओपनिंग सबसे पहले देखने को मिली, मतलब कि मार्केट को पहले से ही अंदाज़ा हो गया था आज रिजल्ट जो है अच्छे आने वाले नहीं हैं। और सबसे चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि TCS में क्या कुछ घटा, जो कि कल इसका रिजल्ट आया था क्वार्टर फोर का। तो जैसा कि आप यहां देख पा रहे होंगे TCS में गिरावट देखने को मिली, पर उतनी गिरावट नहीं देखने को मिली, यहां पे सिर्फ आपको 1.5% की ही गिरावट देखने को मिली, पर इन्फोसिस में 3% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। तो इसके भी रिजल्ट आए थे ठीक ठाक, पर जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतनी इसकी भी अच्छे रिजल्ट नहीं थे, और खैर इसमें तो फिर भी कम गिरावट देखने को मिली, पर आपको इन्फोसिस में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। हमने कल की वीडियो में कहा था कि सब कुछ डिपेंड करेगा इन्फोसिस के रिजल्ट पर, अगर इन्फोसिस अच्छा रिजल्ट लाएगा तो कल IT सेक्टर आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा, पर इन्फोसिस में जिस बात का डर था वही हुआ और रिजल्ट अच्छे नहीं आए जितनी एक्सपेक्टेशन थी, और जिस वजह से आज IT सेक्टर में 1.7% की लगभग गिरावट देखने को मिली, जैसा कि आप यहां ITBs को देख सकते हैं। आप अगर इसे वन डे के चार्ट में देखेंगे तो लगभग 1.17% की गिरावट आज के दिन देखने को मिली। तो जिन लोग की IT सेक्टर में ITBs में होल्डिंग है, जिन्होंने अपनी स्विंग ट्रेडिंग के लिए पोजिशन बनाई है, तो उन लोग को ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आने वाले दिनों में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। खैर कल के दिन स्टॉक मार्केट बंद है, अब मार्केट जब भी खुलेगा यानी मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो हो सकता है थोड़ी बहुत IT सेक्टर में अभी आपको और गिरावट देखने को मिल सकती है, पर आपको परेशान नहीं होना, अगर ज़्यादा नीचे जाता है तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी, आप वहाँ जाए तो अपना एवरेज कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। बाकी ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो TCS और इन्फोसिस है वो ऑलरेडी 52 वीक लो पे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, जैसा कि हम चलिए आपको एक बार हम दिखा देते हैं
जो इन्फोसिस है दोस्तों, अगर एक साल के चार्ट में देखेंगे तो ये ऑलरेडी 52 वीक लो पे है। तो जैसा कि ये एक अच्छा स्टॉक है, अगर ये इतने डिस्काउंट रेट पे है तो जाहिर सी बात है लोग इसे एक्यूमुलेट करेंगे, तो थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है, पर वक्त के साथ ये ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इतनी जब बड़ी गिरावट आती है अच्छे स्टॉक में तो लोग FII DII इसमें अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। हो सकता है कुछ दिन गिरावट हो थोड़ी बहुत, पर टाइम के साथ ये ऊपर रिकवर करेगा ही करेगा। बाकी TCS भी अपने 52 वीक लो पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है, जैसा कि हम TCS का भी चार्ट दिखा देते हैं, एक साल के टाइम फ्रेम में ये भी लगभग 52 वीक लो के आसपास ही है, ज़्यादा ऊपर नहीं है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। तो ये भी आसपास ही ट्रेड है 52 वीक के आसपास, 52 वीक लो पे हिट समझिए, थोड़ा बहुत उसके आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दोस्तों ये था इस वीडियो में अपडेट TCS का और इन्फोसिस का। तो बाकी जैसा कि आपको पता होगा TCS और इन्फोसिस का ही जो वेटेज है IT सेक्टर में लगभग 53% के आसपास है, इन दोनों कंपनी को अगर मिला दिया जाए तो 53% के आसपास वेटेज है TCS और इन्फोसिस का IT सेक्टर में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर ये दोनों अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो IT सेक्टर को कोई नहीं रोक पाएगा। बाकी ये था अपडेट दोस्तों आज के वीडियो में। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।